अस्सलाम वालेकुम, मैं ताहिर बात कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस ऑफ वीएन से। स्टूडेंट मैं यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इस हवाले से एक दो अहम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस हवाले से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। चूँकि हमारे पास जो है वो मोस्टली स्टूडेंट की क्यूरी आती है, वो ये पूछना चाह रहे होते हैं कि हमारे जो क्विज़ हो रहे हैं या जो ग्रैंड क्विज़ होगा और फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा, तो उसका सिलेबस हमें कैसे पता चलेगा कि कितने सिलेबस में से हमारा ग्रैंड क्विज़ होगा या कितने सिलेबस में से हमारा फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा। तो उस हवाले से मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो ये चीज़ कंफर्म आप अपने एलएमएस से कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम तो हर एक जो भी स्टूडेंट हमसे क्यूरी करता है तो हम उसे एक जो एवरेज हर सब्जेक्ट का होता है हम बता देते हैं, लेकिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का चेंज भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का जो है वो चेंज हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने एलएमएस से जो है वो अपना ये सिलेबस ईजीली देख सकते हैं। तो उसके लिए जिन स्टूडेंट को आइडिया नहीं है, मैं उनके लिए ये बताना चाह रहा हूँ, आप अपना एलएमएस एक्सेस करें। ठीक है, ये मैं एक स्टूडेंट का एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आईडी पासवर्ड दें आप और इसको साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आपने किसी भी सब्जेक्ट का चेक करना चाह रहे हैं कि उसका आपका सिलेबस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसमें ग्रैंड क्विज़ में या फाइनल एग्ज़ाम में, तो उसके आप कोर्स वेबसाइट पर क्लिक करें। कोर्स वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन ये लिंक होंगे। ठीक है, इसमें आपने ओवरव्यू पे क्लिक करना है। ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ कोर्स कैलेंडर शो होगा, तो इसमें से आप इजीली देख सकते हैं कि देखें आपका जो इस सब्जेक्ट का, इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात हो रही है, फर्स्ट क्विज जो आया है वो इसमें 11 लेक्चर्स में से आया है, 1 से 11 तक, और इसके बाद आपकी जो असाइनमेंट है इस सब्जेक्ट की तो वो 12 से लेके 14 लेक्चर तक है, फिर उसके बाद 15 से लेके 22 तक ग्रैंड क्विज है। ठीक है, तो ये हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल आपको वाजिया हो रही है। इसके बाद 23 से 28 तक जो है क्विज़ नंबर 2 है, आफ्टर 27 लेक्चर्स के बाद, और इसके बाद हमारा जो है जीडीबी है इसमें वो 34 लेक्चर्स के बाद आ रहा है, और टोटल हमारा जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम आ रहा है वो इसमें 45 लेक्चर तक हो रहा है, और वो आपका होगा जो है 45 लेक्चर का। अच्छा, इसमें एक बात ये इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह आपका ग्रैंड क्विज़ है तो ग्रैंड क्विज़ में आपके 22 लेक्चर्स यहाँ पे हैं, तो ग्रैंड क्विज़ से ऑनवर्ड 23 से 45 आपका फाइनल टर्म एग्ज़ाम का पोर्शन है, तो ये आपने सारा करना है। ये हो सकता है कि फर्स्ट से लेके 22 तक 20% की रेशियो इंक्लूड हो आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम में, लेकिन 80% रेशियो जो है वो आपके 23 से ऑनवर्ड 45 लेक्चर तक ही होगी। ठीक है, तो इस हवाले से आपने जो फोकस करना है फाइनल एग्ज़ाम के लिए वो 23 से ऑनवर्ड 45 तक करना है, और ग्रैंड क्विज़ के लिए आपके सामने है कि आपने जो है 15 लेक्चर से लेके 22 लेक्चर तक स्टडीज़ ज़्यादा वो करनी है, इसी में से आपका ग्रैंड क्विज़ होगा। ठीक है, इसके अलावा जो मेन थिंक है वो ये है कि ग्रेडिंग स्कीम है। ग्रेडिंग स्कीम आप एक दफ़ा लाजमी चेक कर लेंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी असाइनमेंट में कितनी परसेंटेज है, जीडीबी की आपकी कितनी परसेंटेज है, क्विजेज आपके कितने परसेंट हैं, और फाइनल टर्म आपके कितने परसेंट है। जिस तरह इस स्पेसिफिक अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें असाइनमेंट आपकी 10% की हैं, जितनी भी असाइनमेंट आएंगी 2 आ रही हैं, 3 आ रही हैं, इसके अलावा जीडीबी 5 नंबर की होगी, और इसमें फाइनल जो आपके क्विजेस होने हैं ग्रैंड क्विज भी इसमें इंक्लूड है वो 20%, और फाइनल एग्ज़ाम इसमें 65% का है। तो आपने हर सब्जेक्ट की ग्रेडिंग स्कीम भी चेक कर लेनी है ताकि आप हर उस पोर्शन को उतना ही टाइम दें और उतनी ही अटेंशन पे लें जितने के उसके नंबर हैं। ठीक है, तो आपने ग्रैंड क्विज स्टूडेंट लाजमी सॉरी ग्रेडिंग स्कीम यहाँ से चेक कर लेनी है, और हर सब्जेक्ट का ओवरव्यू आप ओवरव्यू पे लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पे भी रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।